चौथ में सिर्फ दो दिन बाकी हैं और इस वक्त हम नेहरू मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में करवा चौथ का त्यौहार मनाने को लेकर कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरी ये जो रोड है नेहरू मार्केट की वो पूरी खचा खच भर चुकी है, किसी को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेहंदी वाले यहाँ पर बैठ चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। भैया क्या पर हेड लगा रहे हैं, मतलब एक हाथ कितने का है, कहाँ से स्टार्टअप है? 500 रुपए यहाँ से 1100 है। अच्छा, यहाँ तो 1100 और छोटा हाथ जो दीदी को लग रहा है वो 500 रुपए का हाथ है, दोनों तरफा लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी महिलाएं मेहंदी लगाती हुई नजर आ जाएंगी। मेहंदी भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो मेहंदी वाले हैं अलग अलग रेट का हिसाब रहता है पर हेड का। आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा ज़रूर लगाएंगे कि इस बार ये त्यौहार कितना खास और कितना उत्साहित देखे जा सकता है। और उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर भी बैठे हैं कुछ लोग मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं और मेहंदी लगवा रही हैं। मैम अच्छा क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को, क्यों इतना स्पेशल हो जाता है महिलाओं के लिए? क्या शॉपिंग करने को मिलती है इसीलिए या कुछ और भी एक्साइटमेंट रहता है? बस ये पति पत्नी का प्यार है। अच्छा, इस वजह से। तो आपने लगवा ली मेहंदी? नहीं, मैंने पोती पकड़ी हुई भी। अच्छा, बाद में लगवाएंगे? बाद में लगवाऊंगे, अभी बहू लगवा रही है। तो दीदी का पहला करवा चौथ है? पहला ही है। हेलो दीदी, कैसे आप? अच्छी हूँ। आप पहला करवा चौथ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। मेहंदी तो आपने बिल्कुल ऐसे लगा ली जैसे न्यू ब्राइडल आप हो बिल्कुल ही। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार कैसा त्योहार जाने वाला है आपका? बहुत अच्छा जाएगा, आई होप। कितनी शॉपिंग कर ली आपने? बहुत ज्यादा शॉपिंग सारी कर ली मैंने। भैया से भी बात करेंगे। भैया क्या पर हेड लगा रहे हैं मेहंदी का? पर हेड 200 रुपए है। डिजाइन के अकॉर्डिंग बता दीजिए एक बार। डिजाइन के अकॉर्डिंग है। कितना स्टार्टिंग क्या रेंज है? 400 रुपए स्टार्टिंग है। अच्छा, 50? दोनों हाथ का? क्या? दोनों हाथ का 400 रुपए। दोनों हाथ 400 रुपए। इस बार कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहे महिलाओं को आप? ये डिस्काउंट ही है जी, डिस्काउंट ही है। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर 400 रुपए पर हेड हो जाता है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे थोड़ा हम बातचीत करने की कोशिश। कैसे लगा रहे हो? 400 रुपए के दो हाथ है जी। जी तो इस बार कोई डिस्काउंट नहीं रहा? डिस्काउंट ही दे रहे हैं, 500 रुपए के दो हाथ लगा रहे हैं, 100 रुपए छोड़ रहे हैं, और कैसे चाहिए बताओ। हाँ जी, लेकिन 100 रुपए सबसे मतलब पूरे मार्केट से सस्ता लगा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ। 2 साल के अकॉर्डिंग इस साल का वो भैया सर्कल लगाएंगे, मैंने लगाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगाने भी अच्छा लग रहा है और कस्टमर भी आ रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लगता है शाम को कितने बजे, रात को कितने बजे बंद करते हैं? आज तो पता ही नहीं है, मतलब क्या बजे दुकान बंद हो, कितना बजे बंद नहीं, 4 ही बज जाए, 5 ही बज जाए, 2 ही बज जाए, वो अपने ऊपर है, कस्टमर के ऊपर बच सकते हैं, कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर देखने। हाँ जी, आज मंगलवार है, आप देख सकते हैं कि करवा चौथ को सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, लेकिन नेहरू मार्केट में जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है, चूँकि आज मंगलवार का जो बाजार है वो भी लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो करवा चौथ की तैयारियाँ हैं, महिलाओं की जो शॉपिंग है वो लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाओं की शॉपिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वही चीज़ हो जाती है यहाँ पर, आपको मिल जाती है करवा चौथ की स्पेशल थाली। इसमें लोटा भी है और इसमें आपको छलने में मिल जाएगी, ये ट्रे भी हो जाती है। क्या नाम है बच्चा आपका? ऋषभ। ऋषभ, तो क्या लगता है इस बार ज़्यादा अच्छे से भीड़ देखने को मिल रही है आपको? हाँ। अच्छा, भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या क्या प्राइस रहते हैं ऋषभ? 350-400। भैया से बात कर लेते हैं जी। इस बार के करवा चौथ को लेकर क्या स्पेशल आपने डिजाइन? मैम बिल्कुल एंटीक डिजाइन में हमने इसको बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी करके लगाया है, सजाया है। इसमें लोटा है, एक छन्नी है और एक थाली है जी। क्या प्राइस रहता है इसका? मैम 400 रुपीज रहता है जी, जी जी। जिसके अंदर एक ये आर्टिकल रहता है, ये जयपुरी कंसेप्ट में है सारा, सेम इसमें है जी।
इसकी क्या कुछ खास बात है भैया? मैम, करवा चौथ एक बहुत अच्छा त्यौहार है हिंदू धर्म के लिए, जो प्रति स्त्रियां रखती है अपने पतियों के लिए, शुभकामना मांगती है लंबी आयु के लिए, तो इसकी तो बहुत महत्व है। बिल्कुल रखा है भाई, वाइफ भी खड़ी है मेरी, मेहंदी भी लगवाने आई हुई है। मेहंदी लगवा ली जी? बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कौन सा परचेज किया है? इनके लिए वो वाला दिया है हमने। अच्छा, अलग से स्पेशल है, थोड़ा सा गोल्डन वर्क के साथ रेड है, थोड़ा कंसेप्ट और स्मार्ट है इसमें जी। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में लगे हुए, किसी में कुंदन का वर्क है तो किसी में सितारों का वर्क किया गया है, जो रेंज रहती है 400 to 500 के बिटवीन में रहती है। और भी चीज़ें हम आपको स्पेशल दिखाने जाएंगे, लेकिन ये भीड़ बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। फिर भी आपको दिखा देते हैं, भैया लेकर आ रहे हैं बहुत प्यारी सी ट्रे लेकर आ रहे हैं, ये खाली हो जाती है अपनी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। और साथ में आपको मिल जाता है तो प्यारा सा लोटा और साथ में ये छलनी, जिसमें आप अपने पति का चेहरा देख सकती हैं। जितनी भी करवा चौथ महिलाएं हैं जो रखना चाहती हैं व्रत को लेकर, इसका क्या प्राइस है? ये 750 की रेंज में। अच्छा, ये स्पेशल है। क्या कहेंगे इस बार के? इस बार अच्छी भीड़ है, पिछले 2 साल से बहुत अच्छी चीज़ें हमने देखे हैं कि और भी डिज़ाइन आए हैं। पिछली बार क्योंकि बहुत कम आते थे, पर इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं डिज़ाइन, तो हमने भी मंगवाए हैं, तो अब चल रहा है सब। मैम, आपने मेहंदी लगवा ली है तो एक बार मेहंदी दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं मैम की जो मेहंदी है वो लग चुकी है, मैम ने पहले ही मेहंदी लगवा ली 2 दिन पहले। इस बार का त्यौहार आपके लिए मैम बहुत बढ़िया रहेगा, इस बार का त्यौहार मैं कहती हूँ सारी लेडीज अच्छी अच्छी मेहंदियाँ लगवाएं, अच्छे अच्छे बैंगल्स लें, बहुत बढ़िया रहेगा। हैप्पी करवा चौथ। आप देख सकते हैं मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी महिलाएं अच्छी अच्छी मेहंदी लगवाएं और अच्छे अच्छे बैंगल्स भी खरीदें। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं नेहरू मार्केट की फेमस विष्णु, यहाँ पर विष्णु आर्ट जी बैठ गए हैं और मैं तो उन्हें पहले से ही जानती, लेकिन बातचीत कर लेते हैं। इस बार का रश कैसा है? रस मंगल बाजार की वजह से ऐसा ही है, थोड़ा ठीक है रश जो है। मंगल की वजह से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है कम? नहीं, मंगल की वजह से कस्टमर कम है। कस्टमर कम है? हाँ जी, हाँ जी। और क्या प्राइस इस बार रखे हैं एक बार बता दीजिए? 200 से है स्टार्टिंग, बाकी डिजाइन के अकॉर्डिंग है, जैसा भी लगवाना चाहे। मतलब हाथ कहाँ तक होगा अगर 200 में जो होगा हथेली से ऊपर तक होगा, और बाकी डिजाइन के अकॉर्डिंग है, जैसा भी लगवाएं 300 है 400 है, अलग अलग रेट होते हैं फिर। अच्छा, जैसे भी आप लगवाना चाहें बुक करेगा। तो कुछ ब्राइडल्स भी आएंगे इस बार स्पेशल मेहंदी लगवाने के लिए? ब्राइडल्स जो हैं कल हैं, 2 बुकिंग हैं, वो कल आएंगी, आज वो नहीं आई हम इसकी वजह, मंगल बाजार की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ अंदर आ नहीं पाती इसकी वजह से, वो कल आएंगी फिर वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैम की मेहंदी लगनी शुरू हो गई और पूरी लग चुकी है। तो मैम क्या नाम है आपका? पूजा अरोड़ा। त्यौहार को लेकर क्या कहेंगी? मेहंदी तो आपने लगवा ली है, शॉपिंग भी कर ही ली होगी? शॉपिंग पहले हो गई इन एडवांस, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो कल मेहंदी नहीं लग पाती। अच्छा। मैं आज अपनी पसंद का डिज़ाइन लगवा रहा हूँ। पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग इस साल ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और रश भी बहुत ज़्यादा है? कोरोना का टाइम था तो कोरोना पीरियड में तो रश नहीं था, और ये था कि देखो व्रत तो हमें रखना ही है, बट ये था कि इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई थी, और इस बार हमने खुली तो इस बार आपने खूब इंजॉय किया। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा तो लग रहा है। मतलब साल में एक बार महिला का ही त्यौहार आता तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो भैया ने मेहंदी लगा दी है, अगर इस हैंड की बात करो तो ये कितने का हैंड लगाओगा? 500 में ये वाला आता, 400 में वो वाला आता। अच्छा, 400 और 500 ये डिजाइनर मेहंदी। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेहंदी नहीं लगवाई है, जो भी महिलाएं अभी रुक गई हैं मेहंदी लगवाने के लिए, वो आ सकती हैं यहाँ पर नेहरू मार्केट में। बहुत सारे आपको मेहंदी लगवाने वाले मिल जाएंगे यहाँ पर, और सही रेट में आपको मेहंदी लग जाती है। 100 रुपीज़ से स्टार्टअप है और 1100 तक आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा।